फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैब्रोज। मैं हूँ रोजी और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा वहा के आ गई हूँ और एक नई चीज ट्राई करने का सोच रही हूँ, और वो है एक खानी और कॉफी की पैक। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों ने यूज किया है, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाया है, बट मैं इसे पहली बार यूज कर रही हूँ। हाँ, हनी मैंने डेफिनेटली बहुत बार यूज किया है अपने फेस पैक के लिए, एंड आई लव इट। हनी बहुत अच्छे से रिहाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, तो हनी तो मेरा फेवरेट है ही, बट कॉफी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। और बहुत लोग हैं जो कॉफी, हनी और लेमन भी यूज करते हैं। मैं लेमन नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो मौसम है ये अभी बहुत ड्राइंग आउट है, स्किन बहुत ड्राई होती है, गर्मियां आने वाली है, वेस्ट से जो हवाएं आती हैं बहुत स्किन को ड्राई करती है, तो मैं लेमन नहीं यूज कर रही हूँ। हाँ, गर्मियां होती या ठंडियां होती तो मैं लेमन जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि लेमन मैं भी यूज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस पैक बनाना। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में देखने के बाद लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए फेस पैक बना लेते हैं। पैक बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट ही चाहिए, एक कॉफी जो मेन है। इसके मैंने दो शैशे लिए हैं, ये नेस्कैफे का है क्लासिक, ये ₹2 वाला शैशे है आई थिंक, और ये मैंने दो लिए हैं। और हनी, हनी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं पतंजलि का हनी यूज कर रही हूँ, कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी हनी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यही है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। और इसको हम अब मिक्स करने वाले हैं एक बोल में दोनों को। मैं लेमन नहीं ले रही हूँ, बहुत लोग लेमन मिक्स करते हैं, बट मैं लेमन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी इसका जो मौसम है वो लिटिल ड्राइंग आउट है। तो मैंने 1.5 शैशे लिया है और इसमें मिक्स करने वाली हूँ अब हनी। तो मैं बता रही थी कि मैंने लेमन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि अभी का जो मौसम है वो लिटिल ड्राइंग आउट है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और वेस्ट से जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं, तो हमारे स्किन भी ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं लेमन अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, अगर इसको मैं ठंडी में या गर्मी में यूज़ करती हूँ तो मैं लेमन ज़रूर मिक्स करती इसमें। तो मैं इसमें हनी मिक्स कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, बहुत ही इजी सा है, मतलब कुछ भी मैंने ज्यादा इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है, तो बहुत ही इजी है। देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है अप्लाई करने के बाद। तो लो भाई, हमारी ये चॉकलेट काइंड ऑफ दिखने वाली फेस पैक रेडी है। इसे तो लग रहा है ये चॉकलेट है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं तो सोच रही हूँ इसे खा जाऊँ क्या। नहीं, इसे खाना नहीं है, इसे अभी लगा के पहले ट्राई करना है क्योंकि वीडियो भी तो बनानी है ना। तो इसे मैं लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे, और ये इतना ज्यादा थिक है और ऐसा फील हो रहा है ना, कैसे बताऊँ मैं, इसके पार्टिकल्स बहुत खुरदुरे हैं, तो ये स्क्रब काइंड ऑफ फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 2-in-1 काम करेगा, यानी स्क्रब प्लस फेस पैक, देखते हैं। मैंने इसे अप्लाई कर लिया अच्छे से और ये काफी थिक है, तो इसे अप्लाई करते समय ध्यान देके आपकी स्किन ना छिल जाए, बहुत ही थिक है ये। हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि जब भी आप पैक लगाते हैं तो क्लीन फेस पे लगाना होता है, इतना तो आपको पता होगा, इसलिए मेरी स्किन क्लीन थी, मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था, बस एक लिप बाम लगाई थी क्योंकि नहाने के बाद ना लिप्स थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो मैंने लिप बाम लगा लिया था। तो लिप बाम था सिर्फ और बाकी फेस पे कुछ नहीं था। तो इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है अगर आप यूज़ करते हैं घर पे। तो अब इसे ड्राई होने देते हैं 15 मिनट्स, उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आया। सो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई है, इतनी ड्राई नहीं हुई है क्योंकि हनी जब भी किसी पैक में हम डालते हैं तो वो बैग थोड़े लेट से ड्राई होती है, तो ये इतनी ड्राई हो गई है और हमें पूरी ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें 15 से 20 मिनट ही रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पैक आपका पूरा ड्राई होना चाहिए, इसे पूरा ड्राई होने में 1/2 आवर से ज़्यादा लगेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ड्राई करना है, आप 15-20 मिनट रखने के बाद इसको वॉश कर सकते हैं, तो वही मैं करने जा रही हूँ, मैं इसे वॉश करके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर लिया है और कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने फेस पे, तो आप बताइए कि कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या मेरे फेस पे? मुझे अपनी स्किन हाइड्रेटेड लग रही है बिकॉज ऑफ हनी, और थोड़ी सी क्लीन फ्रेश काइंड ऑफ लग रही है, जैसे बोलते हैं ना ऐसी जगी हुई टाइप की लग रही है। पहले मैं सो के उठी थी और नहा ली थी डायरेक्ट, तो मेरी स्किन जो है ना वो सोई सोई काइंड ऑफ लग रही थी, बट अभी मेरी स्किन जगी हुई लग रही है, फ्रेश लग रही है। तो डेफिनेटली ये पैक मुझे अच्छा लगा। अगर आप भी इस फेस पैक को घर पे ट्राई करते हैं और कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और इस तरह के वीडियोज मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।